की पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं भूल भुलैया 3 के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनने वाली भूल भुलैया 3, जिसके लीड रोल में आपको कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी जैसे कास्ट यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं इस फिल्म का जो कि कलेक्शन देखा जाए तो अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 36,60,00,000 के साथ शुरुआत की थी। वहीं इसके दूसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो एक बार फिर से काफ़ी अच्छा कलेक्शन की और अपने दूसरे दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 38,40,00,000 की कमाई की। वहीं तीसरे दिन यानी कि कल अगर संडे का कलेक्शन देखा जाए तो संडे होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो ग्रोथ देखने को चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला और देखा जाए तो अपने तीसरे दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 34,00,000 की कमाई की। अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज है मंडे और आज से यहाँ पे वर्किंग डे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज और भी यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है और करीब यहाँ पर 20,00,000 के आसपास यहाँ पर कलेक्शन होने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन देखा जाए तो 129,00,000 हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 154,80,00,000। वहीं ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है और अभी तक ओवरसीज मार्केट से 26,00,000 की कमाई कर चुकी है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4 दिनों में 180,80,00,000 हो चुका है, जो कि इस फिल्म का बजट था वो 150,00,000 था। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने बजट को यहाँ पे ऊपर पहुँच चुकी है और देखते हैं कि आगे चल के इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो कहाँ तक जा पाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम सिंघम अगेन के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली सिंघम अगेन, जिसके लीड रोल में आपको अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान जैसे कास्ट यहाँ पे नजर आ रही हैं। वहीं इस फिल्म का जो शुरुआती कलेक्शन है वो देख लेते हैं। तो अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 43,50,00,000 के साथ शुरुआत की थी, जो कि काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन था। और वहीं दूसरे दिन यानी कि सैटरडे का कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो सैटरडे दूसरे दिन का भी कलेक्शन यहाँ पे 42,50,00,000 रहा था। वहीं तीसरे दिन यानी कि कल अगर संडे का कलेक्शन देखा जाए तो अपने तीसरे दिन इंडियन नेट कलेक्शन से 35,00,000 की कमाई की, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे जो कि दूसरे दिन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। वहीं भूलभुलैया की बात करें तो 34,00,000 की कमाई की। तो यहाँ पे कोई खास अब डिफरेंस नहीं रह गया दोनों के कलेक्शन में। वहीं अगर बात करते हैं इसके चौथे दिन यानी कि अगर आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी यहाँ पे देखा जाए तो करीब 20,00,000 के आसपास यहाँ पे कलेक्शन होने वाला है सिंघम अगेन का। तो यहाँ पे 4 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन देख लिया जाए तो 141,00,000 हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए तो 169,20,00,000। वहीं ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन देखा जाए तो 30,00,000 की कमाई ओवरसीज से भी कर चुकी है 4 दिनों में। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4 दिनों में 199,20,00,000 यानी कि 200,00,000 के आसपास यहाँ ये मूवी अपने जो कि 4 दिनों में पहुँच चुकी है। तो देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है अभी फिलहाल और देखते हैं कि आगे चल के किस तरह का कलेक्शन रहता है। इस फिल्म का बजट है वो 300,00,000 है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक कलेक्शन है। वहाँ देखा जाए तो भूल भुलैया 3 अपने बजट के ऊपर यहाँ पर पहुँच चुकी है और सिंघम अगेन की बात करें तो अभी 100,00,000 और बाकी है अपने बजट को रिकवर करने में। तो देखते हैं कि आगे चल के किस तरह का कलेक्शन रहता है। तो आपको क्या लगता है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में आगे चल के कौन सबसे अच्छा कलेक्शन कर सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।